दोस्तों, एक ओर जहां भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और लॉकडाउन चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं एक ऐसी सच्ची घटना घटित हुई है जिसके बारे में सुनकर हर भारतवासी का खून खौल सकता है। दरअसल ये शर्मनाक घटना थाईलैंड की है, जहां एक किसान अपने पारंपरिक पेस्ट में मारने के लिए गाय लाया था। उसने गाय के सिर पर 3 गोलियां मारी, लेकिन गाय बच गई। बताया गया कि 43 वर्षीय सोमपोन नाजिन तरांग के रहने वाले हैं। वो बीते सप्ताह एक पारंपरिक उत्सव के लिए गाय लाए थे। अपनी 22 mm हैंडगन से उन्होंने गाय को मारने की कोशिश की। उन्होंने उसके सिर पर 3 बार गोलियां मारी, लेकिन गोली का गाय पर कोई असर नहीं हुआ। गाय वहीं जिंदा खड़ी रही। फिर वो अपने दोस्त को बुलाने गए। उन्होंने सोचा कि इस गाय को किसी और तरीके से ही मारा जा सकता है। जब वो अपने दोस्त के साथ वहां आए तो गाय वहां नहीं थी, वो भाग गई थी। बताया गया है कि 15 दिनों के बाद फिर से गाय वहीं वापस आ गई, जहां अंतिम समय उसे देखा गया था। इसके बाद उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से भी उसके सिर पर गोली मारी, लेकिन वो गोली भी गाय का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। गाय को मारने की तमाम कोशिशों के बाद सोमपोन ने हार मान ली। वो कहते हैं, ये सच में असाधारण घटना थी कि इतनी बुलेट्स मारने के बाद भी गाय जिंदा रही। अब मैं इस गाय को अपने गुड लक की तरह से अपने पास रखना चाहता हूँ। गांव के चीफ जरान का कहना है कि उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताया था कि कुछ गाय ऐसी होती हैं कि जिन्हें मारा नहीं जा सकता। उन्होंने इस गाय का नाम बोनरोड रखा है। इस शख्स की इस हैवानियत पर हमारा खून खौल उठा। दोस्तों, ये शख्स बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता कि ये इस गाय को अपने पास रख ले, बल्कि जिस निर्दयता से इसने इस बेजुबान गाय पर इतनी गोलियां दागी, इसे इस गुनाह की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को एक लाइक जरूर दें, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।